तुझे पता है ना शंभू, कितने लोग इस रास्ते से आया जाया करते थे। मामांगम के समय महाकुंभ से भी ज्यादा लोगों की भीड़ होती थी यहाँ पर, किंतु आजकल सुनसान हो गया है। इस देश का कैसा विनाश हो गया है ईश्वर, कहीं तलाचनोर तो नहीं पधार रहे हैं? खोलो खोलो, फटा खोलो। फाटक बंद करके ही रखना। हाँ। ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, आने वालों को वहीं पर रोकना होगा। सुरक्षा कर्मी ग्रुप की समझ में आया? जी बिल्कुल। सचेत रहना होगा, पल भर के लिए भी कहीं नहीं जाओगे। अभी तो हमेशा आने वाले भी नहीं आ रहे हैं। नाचने वाली उन्नी माया के कोठे पे विदेशी व्यापारी की हत्या हुई है। वे महाराज के बहुत प्रिय थे। बहुत बड़ी घटना है। तलाचनोर जी स्वयं पूछताछ के लिए आ रहे हैं। अब उनसे कोई नहीं बच पाएगा, राजद्रोही। इस हत्या की पूछताछ तलाकपू नायर कर सकता है ना? केवल एक ही नहीं, बहुत सारे तलकापों के और सेनापतियों के नेतृत्व करने वाले महामंत्री तलाचनोर स्वयं आ रहे हैं, तो मरने वाला कोई साधारण व्यापारी नहीं हो सकता। इस छानबीन से पत्थर ही नहीं पहाड़ भी टूट सकते हैं। उन्नी माया का नृत्य महल इरामा, पल्लुआ राज्य के बड़े बड़े लोगों की धनदौलत यहीं आ पहुंचती है। सामुदिरी के साम्राज्य के शत्रुओं का पता लगाने के लिए इस राज्य के कोने कोने में आपके गुप्तचर फैले हुए हैं, फिर भी आज तक एक भी शत्रु को पकड़ नहीं पाया तलकाप नायक। महल की ओर प्रस्थान करें तो आपका विश्राम भी हो जाएगा और शांति से पूछताछ भी कर सकते हैं। इरामा, इस नामर तलकाप नायर को यहीं रहने दो। वो नाचने वालियाँ कहाँ हैं? बुलाओ। महामंत्री जी, क्रोधित ना हो, यहाँ की सभी कन्याएं गायब हैं। उन्नी माया, पकड़ के लाओ उसे, नहीं तो। कुछ भी कहो, ये महल अति सुंदर है। लगान की मोहरों से निर्मित सामुदिरी के राजमहल से भी सुंदर, लेकिन ना अधिक भड़कीला है ना ही चमकीला। कुछ लोग जो उस रात यहाँ पर थे उनसे बाहर पूछताछ की जा रही है। अच्छा, और जो लोग भाग गए थे उन्हें ढूंढकर वापस लाने का भी प्रबंध मैंने कर दिया है तलाचनोर महोदय।